खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ, मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूँ, जमी का साथ देने के लिए परवाज करता हूँ। सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, मुरादाबाद से इस जंग का आगाज करता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी, एक शायर जिनकी नज़्में लोगों को जज्बाती कर देती है, एक कवि जिनका अंदाज़ बयां ठंडे दिलों में आग लगा देता है। वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अशकों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया। पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इमरान प्रतापगढ़ी पर यूं ही भरोसा नहीं जताया। राजनीति में भले ही इमरान ने नई शुरुआत की हो, लेकिन उनकी शायरी में व्यवस्था के प्रति आक्रोश काफी पहले से नजर आ रहा है। वाह रे देश के चौकीदार, तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, बौखलाहट में सरे बाजार लिखने लग गए। एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर सारे खुद को चौकीदार लिखने लग गए। इमरान प्रतापगढ़ी को यकीन है चुनाव वो ही जीतेंगे, क्योंकि मुरादाबाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ससुराल है। प्रियंका दीदी ने भी मुझसे कहा था कि तुम मेरी ससुराल में जा रहे हो, जीत के जरूर आना। बातचीत हुई है आपकी? बातचीत हुई है। क्या कहा? बातचीत हुई, उन्होंने कहा मेरी ससुराल है, जीत के आना, जाओ वहाँ लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी आऊंगी तुम्हारे लिए। तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही उनका भी कार्यक्रम आएगा और वो मुरादाबाद के लोगों से आके अपील करेंगी कि मेरा छोटा भाई है, ये भाई मेरी ससुराल में चुनाव लड़ने आया, इसे नेक में जीत करके हमें दे दीजिए। सबसे पहला काम जो करूंगा साल से डेढ़ साल के अंदर, चाहे जितना लड़ना झगड़ना पड़े, यहाँ विश्वविद्यालय की नींव डलवाऊंगा। सबसे पहला काम पांचों विधानसभाएं जो मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, चाहे उसके लिए मुझे दुनिया भर के सामने जा करके अपना दामन फैलाना पड़े, मैं वहां पे स्कूल बनवाऊंगा पांचों में अलग अलग। शिक्षा पे यहां मुझे एक सिविल सर्विसेज के लिए फ्री एकेडमी खोलनी है, जहां बच्चे जो है तैयारी कर सकें। यहाँ गठबंधन हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं, गठबंधन का प्रत्याशी पूरी तरह से हमारे लिए डमी है। हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की नीतियों के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ है और मौजूदा जो सांसद हैं उनकी गुमशुदगी के खिलाफ है। पाँच साल कहीं नज़र नहीं आए, पूरे पीतल उद्योग जिसके लिए मुरादाबाद जाना पहचाना जाता है, पहले नोटबंदी से कमर तोड़ी, जो थोड़ी बहुत कमर बची रह गई थी उसको GST के जरिए तोड़ दी। तो यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है भाजपा सरकार को लेकर के, और हर व्यक्ति जानता है कि भाजपा की सरकार को सिर्फ कांग्रेस हटा सकती है। ये जब हमें दिल्ली पहुँचना है तो वाया लखनऊ क्यों जाएंगे, जनता इस पर बात कर रही, वो कह रही है हम सीधे हम समंदर से जाके मिलेंगे, दरियाओं में क्यों मिले हम।